तो जैसे कि अभी WWE रेसलमेनिया 34 के लिए जो है वो ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस एलाइस का मैच बुक कर रही है, बट इस मैच में जो कि है WWE जो गिटार्स का और जो कि इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनका बहुत ज्यादा यूज कर रही है। तो क्यों WWE ऐसा कर रही है, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं वर्मन, चलिए वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले तो WWE को जो कि है बहुत ज्यादा जरूरत थी एक नए टाइप का मैच WWE में इंट्रोड्यूस करने के लिए, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम हो गया क्योंकि WWE ने बिल्कुल भी अच्छा मैच इंट्रोड्यूस नहीं किया था। प्रीवियस मैच जो कि 1 से 2 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था डीन एम्ब्रोस की तरफ से, जो कि एक एस्लम मैच था, वो भी बिल्कुल बेकार ही था, इतना अच्छा मैच नहीं था वो, जिसमें कि एक प्रॉपर रूल्स वगैरह नहीं होते थे। बट अगर हम बात करें अब WWE जो कि है इंस्ट्रूमेंटल मैच टाइप का एक बनाना चाहती है, अभी जो उसका नाम है बिल्कुल भी डिफाइनेट नहीं है और अभी भी पता नहीं है, बट जो भी के लिए टीजिंग निकल कर आ रही है शायद रेसलमेनिया 34 पर हमें एक अलग टाइप का मैच देखने को मिल सकता है। और जो कि ये मैच होगा ये मेरे हिसाब से मेनली फोकस्ड होगा गिटार के ऊपर, बट ये पहले गिटार तक लग रहा था। अगर हम बात करें आज के टाइम पर जैसे कि अब पियानो भी इन्वॉल्व हो चुका है, तो पियानो के साथ शायद ये एक इंस्ट्रूमेंटल या फिर म्यूजिकल मैच बन सकता है, जिसमें कि सबसे ज्यादा गिटार किसी के ऊपर तोड़ने वाला रेसलर जो कि जीत जाएगा या फिर पहला गिटार तोड़ने वाला, बिकॉज वैसे तो ब्रॉन स्ट्रोमैन को पिन कर पानी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस हिसाब से WWE को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे। बट अगर हम बात करें ना इसके एक ड्रॉबैक, वैसे तो ये मैच बहुत अच्छा रहेगा देखने के लिए, बट इसके एक तो ड्रॉबैक जरूर होगा। उस ड्रॉबैक के बारे में अगर हम बात करें तो वो ड्रॉबैक कुछ इस तरीके से रहेगा गाइस, जैसे कि एक जो कि नॉर्मल गिटार जो कि एलाइस के पास होता है वो काफी अच्छा जो कि गिटार होता है और वो बेसिक गिटार होता है, वो करीब $200 से $250 का, यानी कि 12 से 15 हजार रुपए तक का एक गिटार होता है। और जो कि ब्रॉन स्ट्रोमैन के पास गिटार होता है वो कम से कम भी 40 से 50 हजार का गिटार होता है। हालांकि मैं सिर्फ बेसिक से बता रहा हूँ, मुझे इतनी ज्यादा परफेक्ट नॉलेज नहीं है, बट अगर वो बिल्कुल ओरिजिनल अच्छी वुड से बने हुए तो कम से कम भी 4-5 लाख का एक बड़ा गिटार होगा। अब WWE को जो कि एक WWE मैच कर दिया तो उसमें 5-7 ऐसे गिटार तो तोड़ने ही पड़ेंगे और कितने सारे इंस्ट्रूमेंटल। और जो कि पियानो होता है वो पियानो बहुत ज्यादा महंगा होता है, जिस वजह से कि WWE को जो कि बजट में बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा। वैसे अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन की जो कि डिस्ट्रक्शन है WrestleMania 34 पर हो जाए तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, बट अगर WWE कर लेती है तो कुछ इनिशिएटिव हो सकता है कुछ अच्छा करने का। ट्रिपल एच जैसे कि आए हैं तो कुछ नई नई चीजें करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट होगी स्टार्टिंग में। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, कमेंट सेक्शन में बताओ यार आपको कैसा लगी ये वीडियो, और ये जरूर बताना कि ये मैच होना चाहिए या नहीं। तो आप देख रहे हैं रसल गुरु और मैं हूं अरमन।